किसी और को मैं पसंद आऊं ना आऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने आप को बहुत पसंद हूं, क्योंकि इस दोगली दुनिया के लिए कभी मैंने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। बस 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 यही कारण है यार कि एलियन धरती पर नहीं आ रहे, क्योंकि उनको भी पता है कि जिस दिन वो धरती पर आए ये बंदा अपने मील में उनको डेजर्ट बना के भक्ष जाएगा। क्या जमाना आ गया यार। सो हेलो, ये मैं जॉनी सिंस वाला क्यों पोस्ट दे रहा हूँ यार। हाँ, सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हो आप, चल गए मस्ती में तुम हो गए मस्ती में। तो यार देखो, आज हम लोग उनके बारे में बात करने वाले हैं जो टिकटॉकर से भी ज्यादा क्रिंज रखते हैं अपने पास। उनसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। हाँ, तो आज हम लोग बात करेंगे फूड ब्लॉगर्स के बारे में जो देश को तरक्कियों की तरफ से वापस बर्बादियों की तरफ ले जा रहे हैं। बात तो सही है। तो देखो, ब्लॉगिंग कम्युनिटी इन सक्सेसफुल ब्लॉगर्स की वजह से जैसे तैसे अपना अस्तित्व तो बचा ही रहा था, तब तक इन लोगों का एक नया कैटेगरी आ गया, फूड ब्लॉगिंग। यार कार्ड दिखाने भी दिए जाएंगे 18 से कम उम्र वाले इनको। कतई तुम्हें चाचा गोलगप्पे नहीं खिला रहे हैं, बम बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं तुम्हें, आधार कार्ड पैन कार्ड राशन कार्ड भाई सब दिखाना होगा। और ये भी देख लो, ये सब दिखाने के बाद तुम्हें खाने को क्या मिलेगा। पूरा मसाला बना रहे बढ़िया सा। बहुत ही सही स्कीम है चाचा, गोलगप्पे खाने के लिए आधार कार्ड दिखाइए और उसके साथ साथ चाचा के हाथों का बाल और नाखून में फंसे टट्टियों का भी स्वाद पाइए। और ये चाचा को आधार कार्ड के साथ साथ एक और लाइन ऐड कर देनी चाहिए कि ये गोलगप्पे खाने से पहले मेडिकल इंश्योरेंस ले लो, क्योंकि नहीं 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 वो तीखे की वजह से नहीं यार, ये जो सीक्रेट मसाला के नाम पे नाखून में फंसी टट्टियां और हाथों के बाल जो तुम्हें खिलाने वाले हैं उसके लिए। आपने एक दो वीडियो बोला है कुछ डालते हो इसमें, आप बताऊंगा नहीं बताएंगे नहीं आप नहीं बताओगे। ओहो, ये सीक्रेट वाला बकचोदी भाई सहा नहीं जाता है। देखो बाबा सीर तक ठीक था, लेकिन अब तुम लोग बकचोदियों पर उतर आए हो। नहीं, ये सीक्रेट मसाला वाला क्या चीज है यार। नहीं, ये लोग युगांडा के जंगलों में बैठकर भाई लंगूर और बंदरों की टट्टियां मिक्स कर पीस कर उसको सीक्रेट मसाला का ही रूप दे देते हैं। ये लोग बहुत टैलेंटेड है। ले गए। अरे ये क्या कर रहे हैं भैया, भाई ये कैसा स्टाइल है इनका। अरे 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 भाई साहब क्या बात है भाई, स्टाइल एकदम गजब है भाई, डॉली भाई का यहाँ पे। ओ हो सही में भैया क्या ही स्टाइल है। हाँ, यही इंसानी रूपी छिपकली का थूक ही तो पीने के लिए लोग आते हैं, हमारे फूड ब्लॉगर को भाई ये स्टाइल दिख रहा है। नहीं, एक बार को तुम सोचो यार, तुम कहीं चाय पीने जा रहे हो और तुम्हारा चाय वाला ये बकचोदियां कर रहा है। देखो तुम्हारा नहीं पता, मेरे यहाँ तो भाई इतना मारा जाएगा कि गली के कुत्ते उसको अपना रिश्तेदार समझने लगेंगे। ये क्या है, गुलाब जामुन में समोसे में गुलाब जामुन भाई, अब ये देश रहने लायक नहीं रह गया। नहीं, तुम सोचो यार, तुम कहीं अगर समोसे खाने जा रहे हो तुम उसको जस्ट ऐसे कट करते हो और अंदर गुलाब जामुन का टेस्ट आता है। देखो मुझे तुम्हारा नहीं पता है, मैं उस दुकानदार पर लीगल केस कर देना भाई, ये नाइंसाफी है। देखो बाप, मैं बोल रहा हूँ बाबा सिर तक ठीक था, लेकिन अब बकचोदियाँ हो रही हैं, ये बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इतना जहरीला एक्सपेरिमेंट ये अपने करियर के साथ किया होता तो आज ये यूपीएससी का एग्जाम निकाल लेता। सोचने वाली बात ये है कि ये लोग तो और नॉर्मल होते नहीं है, इन लोगों का तो भाई चावल के साथ दाल नहीं, चावल के साथ मिल्क शेक या चॉकलेट शेक मिलाकर खाते होंगे। क्या जमाना आ गया यार। हाँ, तो अब ये लोग गुलाब जामुन के पराठे, गुलाब जामुन के समोसे, गुलाब जामुन के पकौड़े, पेस्ट्री के पकौड़े, अंडे की कुल्फी, ओरियो के पकौड़े, ये सब बवासीर फैलाने के बाद अब ये लोग नेशनल फूड मैगी पर आ गए हैं। और आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, फेंटा के अंदर मैगी डाली जा रही है, यहाँ इसमें घी डाला जा रहा है। और गाइस अब देखिए, घी में डाला गया है प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्च और टमाटर। अब ये देखिए इसमें आग का बढ़िया तड़का लग रहा है। हाँ हाँ भाई, सोच ही रहा हूँ कि आखिर डोनेट ही कर दूँ, क्या काम है आग का भाई। नहीं, वीडियो देखो तो नहीं, हम लोगों की आंखें तो भाई देख ही नहीं पाती है। भैया अब लहसुन डाल रहे हैं, भैया अब अदरक डाल रहे हैं, भैया पुदीना डाल रहे हैं, हाँ भैया देख रहे हैं आलू की टिक्की डाल रहे हैं। हाँ भाई, तो हम आंखें सोच रहे हैं, क्या ही काम है आंखों का। हम लोग देख सकते हैं यार, ये बातें तुम लोगों को कब समझ में आएगी। तो कस्टमर मैगी, फैंटा मैगी लेने आते हैं यहाँ पे। गाइस आप सुन रहे हैं, यहाँ पे कस्टमर फैंटा मैगी लेने आते हैं। देखो ये सब देखने के बाद मोदी जी भी वोकल फॉर लोकल कह के बहुत पछता रहे होंगे यार। अब उनको लग रहा होगा कि मुझे ये कहना चाहिए था कि स्ट्रीट फूड हटाओ, देश बचाओ। खाओ एक ऑमलेट और ले जाओ 6100 का इनाम। ये मैगी मसाला। अच्छा मैगी मसाला और नमक तो पड़ेगा ही। हाँ जी। तंदूरी मक्खन, एक और टिक्की। हाँ जी हाँ जी। इतना सारा अंकल जी प्यार। ओ भाई साहब, ओ हो, हमारे इंसानी रूपी पांडा
इतना स्क्रिप्टेड तो हमारे प्रैंकस्टर प्रैंक नहीं करते जितना स्क्रिप्टेड तेरी वीडियो होती है यार। नहीं नहीं तुम एक बार ये कल की ठेले दोगे, तुम्हें लगता है कि ये 6,000 रुपए अफोर्ड कर सकते हो भी इतनी नॉर्मल से एंडिंग करने पे? यार क्या जमाना आ गया यार। और यार एक बात समझ नहीं आता कि इन स्ट्रीट फूड वालों को बटर और चीज से इतना प्यार आखिर क्यों? भाई साहब आधी किलो की मक्खन की टिक्की ये देखिए भाई साहब गजब चीज है यार ये तो। नहीं नहीं भाई इतना प्यार तो टिकटॉकर्स फिल्टर से भी नहीं करते जितना तुम लोग यार चीज और बटर से करते हो। आप लोग देख रहे हो भैया ये पूरी आधी किलो की मक्खन की टिक्की जाने वाली है भैया। हाँ जी हाँ जी ये पूरी टिक्की जाएगी और तुम भी हॉस्पिटल जाओगे। अरे वाह मुंह खोलने की देर है बस। तो ये देखिए गाइस पहले पिच का मुआयना करा जा रहा है कितना हाइजीनिक है। भैया ने कतई अपने हाथ पानी से नहीं अंडे से धोए हैं तो इतना हाइजीनिक खाना तुम्हें कहाँ मिलेगा? भैया ये फेंटा वाली पानी पूरी का आइडिया आपको कहाँ से आया? मैंने यूट्यूब पे फेंटा वाली मैगी की वीडियो देखी थी। फेंटा वाली मैगी की वीडियो देखी थी आपने? अच्छा वहाँ से आपको आइडिया आया फेंटा वाली पानी पूरी का? क्यों न बनाया जाए। हाँ मैगी को तुमने बर्बाद किया गोलगप्पे को हम बर्बाद करेंगे। देखो वैसे तो मैं बहुत ही संस्कारी लड़का हूँ लेकिन ये वीडियो देखने के एक सेकंड के अंदर ही मैंने 16,000 गालियाँ मन में दे दी। इसे फेंटा वाली पानी पूरी तक पहुँच गए हम लोग। स्पेशल मसाला है फेंटा वाला। अच्छा स्पेशल मसाला फेंटा वाला। हाँ। स्पेशल मसाला कंट्रोल इसका भी स्पेशल भाई काले नमक डालकर स्पेशल मसाला बोल रहा है। नहीं तो नहीं तेरा मसाला स्पेशल होता तो यार आज तू 5-स्टार होटल का ओनर होता। ऐसे लोगों को भाई चेयर में बांध कर ढिंचक पूजा के गाने फुल वॉल्यूम पे सुनाने चाहिए। ललित जी हमारे ललित जी टेस्ट करके बताइए जरा। बढ़िया टेस्ट एकदम। नहीं इस बंदे के एक्सप्रेशन और वर्ड्स भाई बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं। इस बंदे के एक्सप्रेशन से कतई ये पता लग रहा है कि इसने मन में एमिनेम के रैप से भी ज्यादा तेज इसको गालियां दे रखी होंगी। मुझे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान है बहुत लोग, मुझे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान है बहुत लोग, लेकिन किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे। ओहो तुम देख रहे हो कितने स्टाइल से सब किया है। अरे भाई जितना तू दूध गिरा दिया ना उतने में तो हमारा पड़ोस वाला पप्पू 16 लीटर पानी मिला के तेरे से ज्यादा कमा लेता। How to be a successful food vlogger? हाँ तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक successful food vlogger बनने के लिए तुम्हें क्या करना होगा। तुम्हें कुछ नहीं करना होगा सिर्फ 4 चीजें याद कर लो। सिर्फ ये 4 चीजें तुम्हें successful food vlogger बना देगी। ओ भाई साहब ओ भाई साहब ओ हो भाई साहब ओ हो भाई साहब भैया ने भर भर के बटर डाल दिए। बस 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 ये 4 वर्ड याद कर लो तुम एक सक्सेसफुल फूड ब्लॉगर बहुत आसानी से बन जाओगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हर वीडियो अच्छी लगे तो यार कमेंट करके जरूर बताना। न्यू चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो और डिस्क्रिप्शन तुम्हें इंस्टा का लिंक मिल जाएगा तो वहाँ पर भी फॉलो कर लो और वहाँ पर तुम मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि न्यू वीडियो तुम्हें किस बाबा सिर पे चाहिए। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गाइस मेरे को अनसब्सक्राइब मत करना। अच्छा भाई गुलाब जामुन क्या